गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी रीड अबाउट चैप्टर 2 साइंस न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, अब सेकंड चैप्टर में है न्यूट्रिशन इन एनिमल। इसमें हम पूरी पैराग्राफ पढ़ेंगे, एक एक लाइन में आपको समझाऊंगी जैसे पहले भी समझाया था, ठीक है। You have learned in chapter 1 that plants can prepare their own food by the process of photosynthesis, but animals cannot. हमने first chapter में पढ़ा था कि plants अपना खाना खुद बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? Photosynthesis process के द्वारा। But animals अपना खाना खुद नहीं बना सकते हैं। Animals get their food from plants either directly by eating plants or indirectly by eating animals that eat plants. Animals क्या करते हैं? वो खाना लेते हैं किससे? Plants से। Animals plants से खाना लेते हैं, कैसे? Directly और indirectly. Directly मतलब या तो वो plants खाते हैं और या तो वो animals खाते हैं, मतलब animals को खाते हैं जो कि प्लांट्स खाते हैं। इस तरह से उनको प्लांट्स के द्वारा ही फूड मिलता है। अगर एनिमल दूसरे एनिमल को खाता है जो कि खुद प्लांट खाता हो, तो उनके अंदर वो प्लांट्स में जो फूड न्यूट्रिशन था वो उस एनिमल्स के अंदर गया, मतलब डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्लांट्स जो प्लांट्स के द्वारा उनके अंदर फूड गया। सम एनिमल्स ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स, कुछ एनिमल्स होते हैं जो प्लांट्स और एनिमल्स दोनों ही खाते हैं। रिकॉल दैट ऑल ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस रिक्वायर्ड फूड फॉर ग्रोथ रिपेयर एंड फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी। मैंने पहले भी बताया था आपको कि अर्थ पर जितने भी जीव हैं जो जिंदा है, ऑर्गेनिज्म जितने भी हैं जो जिंदा है, वो क्या है, वो मतलब उनके लिए उनको क्या होता है, वो ग्रोथ करने के लिए और रिपेयर अपने ग्रोथ मतलब अपनी बॉडी बढ़ाने के लिए, लेंथ अपनी हाइट बढ़ाने के लिए, या रिपेयर मतलब कहीं चोट लग जाए अपने बॉडी में, जितने भी सेल्स हैं वो कुछ ख़त्म हो जाते हैं, कुछ उसके सेल्स बनते हैं नए, तो ये रिपेयर होता है। और फंक्शनिंग मतलब जो अपने बॉडी की फंक्शनिंग होती है ना, उसके लिए ह्यूमंस को क्या रिक्वायर होता है, जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनको क्या रिक्वायर होता है, न्यूट्रिशन ज़रूरी होता है, ठीक है। एनिमल्स न्यूट्रिशन इंक्लूड्स न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड और एंड इट्स यूटिलाइजेशन इन द बॉडी। अब एनिमल्स न्यूट्रिशन लेते हैं, रिक्वायरमेंट जो न्यूट्रिशन होते हैं उनका क्या मोड ऑफ इनटेक, मतलब जिस तरह से वो खाना खाते हैं, जैसा खाना वो खाते हैं उसका, और वो कैसे यूज़ करते हैं उनकी बॉडी उस खाने को, इस पर डिपेंड करता है उनका न्यूट्रिशन, ठीक है। यू हैव स्टूडेंट इन क्लास 6 दैट फूड कंसिस्ट ऑफ मैनी कंपोनेंट्स, ट्राई टू रिकॉल एंड लिस्ट दैम बिलो। आपने 6 क्लास में पढ़ा था कि फूड्स के कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से होते हैं हमने पढ़ा था, जैसे फैट होता है, प्रोटीन होता है, विटामिन्स होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, ये सारे क्या होते हैं, कंपोनेंट्स होते हैं। तो आप ये कंपोनेंट्स लिख सकते हैं, ठीक है ना। द कंपोनेंट ऑफ फूड सच एज कार्बोहाइड्रेट आर कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस, जो कंपोनेंट होते हैं फूड के, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, मेनली कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होता है, मतलब कॉम्प्लेक्स मतलब कठिन, ठीक है, मतलब उसको तोड़ना, उसको आप है ना, ऐसे ही जैसे आप खाना, मैं आपको पूरी प्रोसेस बताऊंगी, अपन पहले पढ़ लेते हैं। दिस कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस कैन नॉट बी यूटिलाइज एज सच, ऐसे कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को ऐसे ही यूज़ नहीं कर सकते हैं बॉडी, सो दे आर ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस, तो उनको क्या होता है, वो तोड़ा जाते हैं सिंपलर सब्सटेंस में। द ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस कॉम्पोनेंट्स ऑफ फूड इनटू सिंपलर सब्सटेंस इज कॉल्ड डाइजेशन, जब कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट्स सिंपलर से कंपोनेंट्स में ब्रेक होते हैं, तोड़े जाते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है, डाइजेशन। अब मैं आपको बताती हूँ, आप खाना जब खाते हो तो आप च्यू करते हो उसको, खाते हो, उसके बाद वो अंदर जाता है और वो ऐसे ही बॉडी को नहीं लगता है, ठीक है ना, वो पहले उसका प्रोसेसिंग होता है,
कि स्टमक तक जाता है, वो छोटे छोटे पार्ट्स में टूटता है। इतना बड़ा रोटी का टुकड़ा हम खाएंगे तो हम ऐसे ही तो नहीं निकल लेंगे, ऐसे निकलेंगे तो हमको वॉमिट हो जाएगी, क्योंकि हम ऐसे नहीं खा सकते। पहले हम उसको सिंपल सब्सटेंस में, मतलब छोटे छोटे सब्सटेंस में तोड़ते हैं, वो तोड़ के अंदर जाता है और वो जूस के फॉर्म में अपना डाइजेस्ट होता है। डाइजेशन वही प्रोसेस होती है पूरी जब हम खाते हैं। और फिर वो डाइजेस्ट कैसे होता है, आपकी बॉडी को लगता कैसे, आपकी बॉडी उसको कैसे अब्जर्व लेती है अंदर, तो ये सब प्रोसेस क्या कहलाती है, डाइजेशन। तो उसमें कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को सिंपलर सब्सटेंस में तोड़ा जाता है। कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस क्या मतलब, जैसे आप मैथ्स का एक सम कर रहे हैं, मैं आपको उसको बोलूं 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 इक्वल्स टू, बताइए तो आप इकट्ठा तो प्लस नहीं कर सकते हैं, पहले आपको 1 + 2 करना पड़ेगा जो 3 आएगा, फिर 3 + 3 करना पड़ेगा जो 6 आएगा, फिर 6 + 4 करेंगे तो 10 आएगा। ऐसे हम छोटे 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 टुकड़ों में उसको तोड़ लेते हैं। तो सेम ऐसे ही यहाँ पर हमारे साइंस में भी यही होता है कि जब हम फूड लेते हैं, जब कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, तो वो सिंपलर सब्सटेंस में टूटता है पहले, और ये प्रोसेस हमारी डाइजेशन कहलाती है। ठीक है, डिफरेंट वेज ऑफ टेकिंग फूड। अब डिफरेंट डिफरेंट वेज कैसे होते हैं खाना खाने के। द मोड ऑफ टेकिंग फूड इन टू द बॉडी वेरीज इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। देखो हर ऑर्गेनिज्म्स का खाना खाने का तरीका अलग अलग होता है, वो किस मोड की, मतलब किस तरह से वो खाना लेते हैं उनकी बॉडी, ये डिफरेंट डिफरेंट डिपेंड करता है ऑर्गेनिज्म्स पे। बीज एंड ह्यूमिंग बर्ड सक द नेक्टर ऑफ प्लांट्स। बीज मतलब क्या, मधुमक्खी या मक्खी, ठीक है ना। और हमिंग बर्ड्स मतलब जो उड़ने वाले होते हैं ना, छोटे छोटे से कीड़े मकोड़े से, वो क्या करते हैं, सक मतलब चूसते हैं प्लांट्स के नेक्टर। आपने देखा होगा फ्लावर्स के ऊपर जो छोटे छोटे से ना फ्लावर के अंदर जो येलो या ब्राउन कलर के नेक्टर होते हैं, उस पे ना भौरा या मधुमक्खी या मक्खी वो जाके बैठते हैं और वो सक करते हैं, चूसते हैं। तो ये उनका तरीका हुआ लेने का फूड, वो कैसे ले रहे हैं फूड, ठीक है। और इन्फेंट्स ऑफ ह्यूमन एंड मैनी अदर एनिमल्स फीड ऑन मदर्स मिल्क। कुछ जो छोटे बच्चे होते हैं वो लोग कैसे करते हैं, वो सिर्फ दूध पर डिपेंड करते हैं, ह्यूमंस के हो चाहे एनिमल्स के हो, तो वो सिर्फ अपने माँ के दूध पर डिपेंड होते हैं, वहीं से फीड करते हैं वो, है ना। वो बड़ा खूब खाना वाना रोटी सब्जी नहीं खा सकते हैं, तो वो सिर्फ मिल्क पर डिपेंड होते हैं। तो ये उनका तरीका हो गया अपना न्यूट्रिशंस लेने का छोटे बच्चों का। जो हमें ह्यूमिंग बर्ड्स और बीज के बारे में बताया वो उनका तरीका हो गया लेने का। स्नैक्स लाइक द पाइथन स्वालो द एनिमल्स दे प्रे अपॉन। देखो जो पाइथन होता है स्नैक्स में, वो क्या करता है, प्रे मतलब होता है आपका शिकार, जो शिकार वो करता है एनिमल का, वो क्या करता है वो पाइथन, स्वालो मतलब निगल लेता है किसको, एनिमल्स को या अपने शिकार को, ठीक है, वो सीधे निगल लेता है। स्वालो मतलब निगलना। सम एक्वाटिक एनिमल्स फिल्टर टाइनी फूड पार्टिकल्स फ्लोटिंग नियर बाय एंड फीड अपॉन देम। एक्वेटिक एनिमल्स मतलब जो पानी में रहते हैं, ठीक है, वो कैसे करते हैं, वो छोटे छोटे फूड पार्टिकल्स जो कि फ्लोटिंग मतलब तैरते रहते हैं पानी पे, वो उसमें से वो वैसे अपने आप को खाना देते हैं, मतलब वो फीड उसी तरीके से करते हैं, जो न्यू छोटे छोटे पार्टिकल्स पानी के ऊपर रहेंगे इस तरह से वो खाना ले लेते हैं। तो ये सबका डिफरेंट डिफरेंट मोड हुआ खाने का, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट वेज हुआ अपना खाने लेने का, ठीक है। अब एक्टिविटी में क्या है, एक्टिविटी आपका सबके अलग अलग काइंड ऑफ फूड और मोड ऑफ फूड फीडिंग है, मतलब ये आपको नेट से देखना है कि किस तरह का स्नैल किस तरह का फूड खाती है और मोड ऑफ फीडिंग क्या है उसका, ये आप खुद देखेंगे कि किस तरह से वो कर रहे हैं, ठीक है। ये एक्टिविटी आपकी, आप खुद पढ़ेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। अब ये दिया हुआ है अमेजिंग फैक्ट में, देखिए, स्टार फिश फीड्स ऑन एनिमल्स कवर्ड बाय हार्ड शेल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट आफ्टर ओपनिंग द शेल। द स्टार फिश पॉप्स आउट इट्स स्टमक थ्रू इट्स माउथ टू ईट द सॉफ्ट एनिमल इन साइड द शेल। द स्टमक देन गोज बैक इन टू द बॉडी एंड द
फूड इज स्लोली डाइजेस्ट। अब देखो स्टारफिश क्या करती है, स्टारफिश क्या करती है, अपना खाना जा उसको जो लेना होता है, जो भी वो छोटी मछलियाँ जो भी खाती हैं, वो क्या करती है, उस अपने फूड के ऊपर बैठ जाती है, बैठ जाती है, उसका जो बीच में उसका जो हिस्सा मुंह कह लो उसका, एक्चुअली माउथ ही होता है, उसके थ्रू उसका स्टमक बाहर आता है, वो कैच करता है उस फूड को और वापस से वो स्टमक अपने साथ वो खाना अंदर ले जाता है और इस तरह से उसका खाना डाइजेस्ट होता है। मतलब वो खाना भी ले लेते हैं और स्टमक में जाके वो डाइजेस्ट होता है, स्लोली स्लोली डाइजेस्ट होता है उसमें जाके। ठीक है, तो ये प्रोसेस हो गई आपकी डाइजेस्ट स्टारफिश की, वो कैसे करते हैं। डाइजेशन इन ह्यूमंस में पढ़ेंगे अपन, क्या पढ़ेंगे डाइजेशन इन ह्यूमंस में, वी टेक इन फूड थ्रू द माउथ, डाइजेस्ट एंड यूटिलाइज इट। हम ह्यूमंस में कैसे, हम खाना मुंह से लेते हैं और डाइजेस्ट करते हैं और उसका यूटिलाइज मतलब उसका यूज़ करते हैं, यूटिलाइज होता है हमारी बॉडी के द्वारा। द अनयूज पार्ट्स ऑफ द फूड आर डिफेक्टेड, और क्या होता है, जो अनयूज पार्ट होते हैं डिफेक्टेड मतलब वो बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, बाहर मतलब कैसे, बॉडी के थ्रू। अपन ने जो खाना हमने खाया वो डाइजेस्ट हुआ, उसका डाइजेशन के बाद में वो हमारे ब्लड के थ्रू हमारे बॉडी में चला जाता है। ठीक है, लेकिन जो बचा हुआ पार्ट होता है डाइजेशन के बाद का, वो बाहर निकल जाता है बॉडी से, बॉडी के थ्रू। तो ये हो गया हमारा एक प्रोसेस कि हमारा डाइजेशन कैसे होता है। हैव यू एवर वंडर व्हाट हैपन टू द फूड इनसाइड द बॉडी, आपको पता है कि क्या होता है बॉडी के अंदर फूड जब जाता है, तो द फूड कैसे जाता है, चलो देखते हैं। द फूड पासिस थ्रू अ कंटिन्यूस कैनाल, कैनाल विच बिगिंस एट द बकल कैविटी एंड एंड्स एट द एनस। क्या लिखा है उसमें, हमारा जो फूड पास करते हैं मतलब हम जो खाते हैं वो एक कैनाल से जाता है। कैनाल देखिए, ये जो है ना आपकी आपकी लंबी इस तरह से, ये जो कैनाल है आपका, ये जो है ठीक है, ये पूरा बकल कैविटी से होते हुए पूरा यहाँ से जाता है और नीचे तक पूरा, ये पूरी जो है इसको कहते हैं हम कैनाल। ठीक है, यहाँ तक ये होता है, यहाँ पूरा नीचे तक जाएगा यहाँ से और एनस तक। एनस तक मतलब ये होता है हमारा एनस, जो हमने बताया आपको एनस तक। ठीक है, ये हमारा एनस हुआ। तो इसमें क्या लिखा, बकल कैविटी से स्टार्ट होके ये धीरे 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 सारे पार्ट्स में जाता है, क्या क्या उसमें प्रोसेसिंग होती है और लास्ट में ये एनस के थ्रू बाहर निकल जाता है। ठीक है, द कैनाल कैन बी डिवाइडेड इनटू वेरियस कंपार्टमेंट। अब कैनाल जो होती है पूरी ऊपर से नीचे तक जो गई है वो डिफरेंट डिफरेंट कंपार्टमेंट में डिवाइडेड होती है। कैसे, द बकल कैविटी, द बकल कैविटी मतलब ये जो बकल कैविटी आप देख रहे हैं, ये बकल कैविटी है, ये होती है आपकी बकल कैविटी। ठीक है, ये आपकी आ गई बकल कैविटी जो आपका माउथ से स्टार्ट होती है। ठीक है, इसको कहते हैं बकल कैविटी। फिर उसके बाद क्या आता है, सैलिविया ग्लैंड, उसके बाद आता है फिर धीरे धीरे वो लीवर में जाता है। बकल कैविटी के बाद उन्होंने बोला है ऑस्फेगस, फूड पाइप और ऑस्फेगस, उसको क्या बोलते हैं, फूड पाइप में जाता है, फूड पाइप से सीधे उसको फूड पाइप को ऑस्फेगस भी बोलते हैं। बकल कैविटी से फूड पाइप में और फिर वहाँ से स्टमक में, स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में और फिर लार्ज इंटेस्टाइन में और एंडिंग इन द रेक्टम एंड द एनस। क्या होता है, एंडिंग इन जो लार्ज इंटेस्टाइन है वहाँ पे रेक्टम, मतलब जो हमारा लार्ज इंटेस्टाइन का फंक्शन है, हम इसमें पढ़ेंगे, पूरी प्रोसेस आएगी क्या क्या करता है। तो उसमें जो बचा हुआ हमारा रहता है फूड वो एनस के थ्रू बाहर निकल जाता है। ठीक है, इज़ इट नॉट अ वेरी लॉन्ग पाथ, ये कोई बहुत बड़ा पाथ नहीं है। दिस पार्ट्स टुगेदर फ्रॉम द एलिमेंट्री कैनाल, देखो ये क्या है, ये पार्ट साथ में जुड़े हुए रहते हैं सब एक दूसरे से एलिमेंट्री कैनाल के थ्रू। ठीक है, इसको डाइजेस्टिव ट्रैक्ट भी बोलते हैं। द फूड कंपोनेंट्स ग्रेजुअली गेट डाइजेस्टेड एज फूड ट्रेवल्स थ्रू द वेरियस कंपार्टमेंट।
क्या द वो जो फूड जो कंपोनेंट्स होते हैं वो अलग डाइजेस्ट होते रहते हैं और फूड ट्रैवल करता रहता है डिफरेंट डिफरेंट कंपार्टमेंट में। मैं बता चुकी हूँ कौन कौन से कंपार्टमेंट्स है, बकल कैविटी है, फूड पाइप, स्टमक, ये सब इसके अंदर फूड जाता है और उसका डाइजेशन प्रोसेस धीरे धीरे चलता रहता है। ठीक है, द इनर वॉल of the stomach and the small intestine and the various gland associated with the canal such as salivary gland, the liver and pancreas। देखो क्या लिखा है इसमें, द इनर वॉल्स जो अंदर की वॉल होती है स्टमक की एंड और स्मॉल इंटेस्टाइन वेरियस ग्लैंड एसोसिएट विद द कैनाल सच, उसमें कैनाल जो होती है वो किससे एसोसिएटेड होती है, देखिए सैलिवरी ग्लैंड से भी जुड़ा हुआ है वो, ठीक है ना, और लीवर लीवर से भी है, उसमें लीवर भी आता है और पैनक्रियास भी आते हैं। अब इसका क्या काम होता है, ये क्या करते हैं, सैलिवरी ग्लैंड द लीवर एंड द पैनक्रियास सीक्रेट डाइजेस्टिव जूसेस, ये क्या क्रिएट करते हैं, सीक्रेट डाइजेस्टिव जूसेस क्रिएट करते हैं। द डाइजेस्टिव जूसेस कन्वर्ट कॉम्प्लेक्स, देखो ये सीक्रेट डाइजेस्टिव जूसेस मतलब देखो आप है ना जब मुंह में डालते हो खाना तब जब आते हो आप उसको तो आपके अंदर से थूक ऐसे निकलता है, मतलब अंदर से एक जूस टाइप निकलता है जिससे खाना गीला हो जाता है और से बहुत अच्छे से अंदर चला जाता है। नहीं तो अगर बहुत सूखा हो, हम सूखा खाना भी खाते हैं तो भी वो गीला हो जाता है मुँह के अंदर और ईजीली अंदर फूड पाइप के अंदर चला जाता है। तो ये क्या करता है, सैलिवरी ग्लैंड है वहाँ सैलविया मतलब डाइजेस्टिव जूस के रूप में सैलिविया थूक जो होता है जनरेट करता है और लीवर और पैनक्रियाज भी इसी तरीके से डाइजेस्टिव जूसेस जनरेट करते हैं जो कि कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होते हैं, उनको सिंपलर सब्सटेंस में कन्वर्ट कर सकते हैं। कॉम्प्लेक्स मतलब जो बड़े टुकड़ा हो या खाना हम एकदम बड़े इसमें खाते हैं तो धीरे 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 वो डाइजेस्टिव जूस में मतलब वो डाइजेस्टिव जूस के द्वारा कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस से धीरे धीरे सिंपलर सब्सटेंस में चेंज हो जाता है। ठीक है, द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड द एसोसिएटेड ग्लैंड टूगेदर कंटिन्यू द डाइजेस्टिव सिस्टम। तो क्या होता है, जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होता है वो ग्लैंड से एक साथ मिलकर क्या बनाते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम बनाते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम मतलब धीरे धीरे वो डाइजेस्टिव जूस जो होता है वो कन्वर्ट करता है ना कॉम्प्लेक्सेस, तो ये सब डाइजेशन प्रोसेस में ही आता है। नाउ लेट अस नो व्हाट हैपन टू द फूड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। अब हमको बोला है कि हम क्या पढ़ेंगे, अब हम पढ़ेंगे कि क्या होता है डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में, मतलब डाइजेशन कैसे होता है आपके माउथ से लेकर जितने भी मैंने कंपार्टमेंट आपको बताए थे तो ये किस तरह से वर्क करते हैं इसके बारे में अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, अभी आपको पूरा एनिमल्स का और ह्यूमंस का डाइजेस्टिव समझ में आ गया कि वो कैसे फूड लेते हैं और किस तरीके से वो कन्वर्ट मतलब किस तरह, अभी डाइजेशन हमने ह्यूमन का पढ़ा है कि किस तरह से होता है, अब उसमें कैसे प्रोसेस करता है वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।